अभी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इंसानी सभ्यता और भी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, और इस एडवांस होने का कारण है इंसानी दिमाग यानी कि ह्यूमन ब्रेन। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ह्यूमन ब्रेन और भी ज़्यादा एडवांस हो रहा है, जिसके वजह से हम भी और ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, और उसी के वजह से हर रोज नए नए आविष्कार भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर पिछले 50 सालों से काम चल रहा है, और ये अगर बन जाता है तो इंसान पक्का आलसी हो जाएगा। खैर, तो किसी भी व्यक्ति विशेष को समस्या ना पहुंचाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जीवन के असली आनंद ले लो। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनूप सिंह एंड यू आर वॉचिंग द अनूप यूट्यूब चैनल। चलिए फिर एवेंचे। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मतलब कि किसी इंसान के दिमाग से किसी टेक्निकल मशीन या रोबोट को पूरी तरीके से कनेक्ट कर देना। तो सपोज दैट कोई बहुत ही ज़्यादा एडवांस कार है और किसी बंदे के माइंड से उस कार को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है, तो आप उस कार की हाई स्पीड से लेकर उस कार के ब्रेक लगाने तक, उस कार को इधर से उधर मोड़ने से लेकर उस कार में म्यूजिक बजाने तक पूरा कंट्रोल एक इंसान के माइंड में आ जाएगा। अब इसमें कई लोग बोलेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। ना भैया ना, इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि उसके बाद ऐसा हो जाएगा आप सिर्फ राजा साहब बन के कार में बैठे रहोगे एंड बिना ब्रेक पे पैर रखे आप ब्रेक भी लगा सकते हो एंड बिना एक्सीलेटर पे पैर रखे आप एक्सीलेटर भी बढ़ा सकते हो और बिना स्टेयरिंग पे हाथ रखे आप गाड़ी को भी मोड़ सकते हो। अगर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आपके किसी भी टेक्निकल डिवाइस से आपका माइंड कनेक्ट कर देता है या फिर कनेक्ट हो जाता है तो, और कनेक्ट होने के बाद आप उसको उसी तरह सेम कंट्रोल कर सकते हो जैसे आप अपने हाथ पैर आँख नाक सब कुछ अपने माइंड से कंट्रोल कर रहे हो। कब आँखें झपकानी है, कब बोलना है, क्या बोलना है, हाथ कैसे मूव करना है, कैसे पैर मूव करना है, तो उसी टाइप से कार भी आपके बॉडी का एक पार्ट हो जाएगा फिर। एक्चुअली हमारा माइंड जो है वो बहुत सारे कोशिकाओं से भरा हुआ है और ये कोशिकाएँ डेंड्रॉट और एक्सॉन से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। हमारे माइंड से हर वक्त कोई ना कोई सिग्नल निकला करता है, पर उस सिग्नल को कैच करने के लिए हमारे माइंड के ऊपर इतनी ज़्यादा क्षमता वाले कंप्यूटर अभी तक विकसित नहीं हुए, इसीलिए उसके लिए बनाए गए हैं इलेक्ट्रोड। आपने कई सारे जगहों पर देखा होगा इंसान की माइंड पर कुछ इतने बड़े बड़े से पिन टाइप के लगे होते हैं, चाहे सीटी स्कैन करना हो या फिर कोई भी काम हो बहुत इंपॉर्टेंट अगर मरीज के साथ में, तो मरीज के सिर पर ऊपर लगा दिए जाते हैं पूरी तरफ चारों तरफ घुमा के, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड। उससे क्या होता है, इंसान के माइंड में जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है वो उसमें कैच हो जाता है और पता चल जाता है इंसान क्या चाह रहा है। ये जो आप खोपड़ी के ऊपर पिन पिन टाइप का देख रहे हैं इसे ही बोला जाता है इलेक्ट्रोड, और इसका काम होता है इंसान के माइंड को समझना। कई बार ऐसा भी होता है कि वैज्ञानिक इंसान के दिमाग के अंदरूनी भाग में भी इस इलेक्ट्रोड को फिट कर देते हैं ताकि जो भी सिग्नल जनरेट हो वो सीधा इंसान के माइंड से होकर कंप्यूटर तक जाए। एक्चुअली इस चीज़ को बनाने का सबसे मेन मकसद यही है कि हमारे समाज के जो भी दिव्यांग लोग हैं उनको दिव्यांग होने का एहसास ही ना हो। अच्छा जरा सोचिए, सपोज दैट कि अगर किसी दिव्यांग के साथ में एक रोबोट आ जाता है, जैसा कि हमने साइंस फिल्मों में देखा है, जैसे कि आप चिट्टी रोबोट को ही ले लीजिए, तो वैसा अगर कोई रोबोट किसी दिव्यांग बंदे के साथ आ जाता है, वो बंदा अगर चल भी नहीं पाता है, उसके साथ में एक ऐसा रोबोट जो फुल्ली उसके माइंड से ऑपरेट होता है, वो जो भी चाहेगा वो रोबोट करेगा उसके जगह पर, तो वो उसके लिए कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, किचन में काम करवाना है वो कर देगा, कपड़े धुलवाना है वो धुल देगा, कार चलवाना है वो चला देगा, मतलब कि दिव्यांग को दिव्यांग होने का एहसास ही नहीं होगा। यही मेन टारगेट है इस टेक्नोलॉजी का कि दिव्यांगों के लिए एक अलग ही रोबोट बनाया जाए जो कि पूरी तरीके से उनकी मदद करे। और इसके अलावा ऐसी कई सारी व्हील चेयर बनाना चाहते हैं हमारे वैज्ञानिक जो कि दिव्यांग के माइंड से डायरेक्ट कनेक्ट रहे और वो फिर उस व्हील चेयर को किधर भी चला सके, कहीं भी मोड़ सके, कैसे भी रोक सके, जैसा कि वो अपने बॉडी के साथ कर सकते हैं पर दिव्यांग होने के वजह से नहीं कर पाते हैं। जापान के वैज्ञानिकों ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का एक ऐसा मॉडल भी रेडी कर लिया है जिसके वजह से आप ऐसा कर सकते हो कि आप कोई भी अगर मोबाइल गेम खेल सकते हो तो उसके अंदर जो भी प्लेयर है उसको बिना अपने हाथ से प्ले किए हुए आप अपने माइंड से उसको कंट्रोल कर सकते हो। मतलब एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने आपके वो प्लेयर घूम रहे हैं और आप टहल सकते हो मात्र अपने माइंड के मदद से। गेम वाला जो बंदा होगा उसका सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। ओके गाइस, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।